हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में मोटोरोला एज 14U की अनबॉक्सिंग करूँगा और इसके कुछ फीचर के बारे में बताऊँगा। ये है इसका बॉक्स, ये प्लास्टिक फ्री बॉक्स आता है इसके साथ। ये मैंने 8128 में ख़रीदा था, मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा था। इसका प्राइस क्या है वो आपको वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। ये फ़ोन, ये कर्व डिस्प्ले में आता है, मैंने इसे सूथिंग सी कलर में ख़रीदा था। ये बीगल लेदर के साथ आता है। चार्जर और डाटा केबल मैंने पहले ही निकाल ली है, तो वह आपको बाद में दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये स्क्रीन प्रोटेक्टर जो लगता है तब लगाने के काम आते हैं। मैंने इस पे ये यूवी रेज वाला प्रोटेक्टर लगवाया था, तो उसके साथ मुझे ये मिले हैं। ये मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा था। ये इसका चार्जर 68 वॉट का टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ आता है। ये प्योर डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है। इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। इसमें 1 बिलियन कलर के साथ ये डिस्प्ले आता है। ये आप इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हैं। ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। ये बेजल दे सकते हैं, इसकी चिन भी बहुत कम है। ये मोटोरोला की बेजिंग, पीछे दो कैमरा, जो एक प्राइमरी में कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। नीचे फेंटोन की बैजिंग, साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग, नीचे टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम स्लॉट। ये इसमें आप 2 नैनो सिम लगा सकते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। ये फ्रंट 32 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ आता है। कैमरे क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये मैंने जो ब्राइटनेस है भी 0 कर रखी है, फुल ब्राइटनेस में तो ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये मेरे पास मोटोरोला G73 5G है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये भी फ़ोन बढ़िया है। मैंने लगभग इसे 8-9 महीने पहले ख़रीदा था। ये देख सकते हैं G73। अब चलिए इसमें कुछ चला के देखते हैं, इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो मैंने सर्च कर लिया अपना चैनल। ये स्टूडियो स्पीकर के साथ आता है। इसके जो वॉल्यूम है बहुत ही बढ़िया है, ये फुल वॉल्यूम पे, इसका बेस भी बढ़िया। अब चलिए इसमें आपको कुछ बजा के दिखाते हैं। ये मैं अपने चैनल के जो शॉर्ट हैं वो चलाता हूँ। अभी वॉल्यूम 20% है। दोस्तों, किसी भी व्हीकल को चलाने की सुनने में काफी अजीब लगता है। देखिए दुर्राज, अब आ गए हैं हम डेलाइट कंडीशन में। इसकी डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी विजिबल है। ये फुल ब्राइटनेस के साथ है। अब यहाँ पे कुछ कैमरा शॉट क्लिक करेंगे। ये सबसे पहले इसका जूम देख सकते हैं आप, ये टेक्स जूम के साथ आता है। ये कुछ पिक्चर्स, ये फ्रंट रिकॉर्डिंग, आप इसमें सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसके कुछ कैमरा फीचर्स, ये डुअल कैप्चर मोड, ये है इसके कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने लो लाइट कंडीशन में कैप्चर किए हैं। ये IP68 जो कि वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। ये कुछ आउटडोर के इसके कैमरा सैंपल्स, ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से 21,500 का परचेज़ किया था। ऑनलाइन लगभग भी ये 23,000 का शो हो रहा था, लेकिन मुझे ऑफलाइन मार्केट में कुछ ऑफ़र मिले थे तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सस्ता पड़ा था। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को उसने कितने अच्छे तरीके से फोकस किया है। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जिस प्राइस रेंज पे आता है उस प्राइस रेंज में इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट सनलाइट का ये फ़ोटो, ये कुछ ग्रीनरी फोटो, ये देख
इसमें 4 कलर ऑप्शंस हैं, मैं मुझे शूटिंग सी पसंद आया तो मैंने वो परचेस किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।